हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में। दो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं बेसिकली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, अभी जो सेवन्थ पे कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर्नाटका स्टेट में किया गया है, और जितने भी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सब की जो है सैलरी में इंक्रीज़ किया गया है, जो कि आने वाले टाइम में जो है बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि प्रोफेसर की सैलरी जो इंक्रीज़ की गई है वो कुछ जो उनका जो इंक्रीज़ की गई है वो डिफ़र करती है एसोसिएट प्रोफेसर से, और मैक्सिमम सैलरी अप टू जो है 2.17 लाख तक जाएगी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो सबकी सैलरी में काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है एज़ पर द लेटेस्ट सेवन्थ पे कमीशन। इसके अलावा दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन में जो लेटेस्ट जो दूसरा अपडेट ये आ रहा है कि कई और स्टेट गवर्नमेंट जो है जहाँ पे अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, वो जल्दी जो है चुनाव से पहले पहले जो है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, जिससे कि जो कुछ भी जो है रहता है अभी तक, जो कि मेन जो है स्टेट गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो सिर्फ मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का इशू था जो कि अभी डिले चल रहा है, बट इसके अलावा जो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिनको कि सेवन्थ पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन की वेट थी, वो लगभग लगभग सारे स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।